नमस्कार, बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर हमने आधे परसेंट की गिरावट आती हुई देखी, जिसके कंपोजिशन में सोने में 1% की गिरावट और चांदी में करीबन 0.26% की तेजी आती हुई दिखाई दी। हमने देखा फेड के अपडेट के बाद कहीं ना कहीं 3 इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हो रही है 2022 में, जिसके चलते सोने को दबाव लेना चाहिए था, बट डॉलर वीकनेस बॉन्ड यील्ड की गिरावट के चलते हमने सोने में एक बाउंस आते हुए देखा इंटरनेशनल में, और प्राइजेस 1800 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन रही। डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट का एक कारण ये भी था कि रुपए में एक अच्छी खासी मजबूती आती हुई दिखाई दी, जिसके चलते हमने डोमेस्टिक मार्केट में सोने में और चांदी में एक अंडर परफॉर्मेंस बनते हुए देखा। बट ओवरऑल हमें लगता है लोअर लेवल पे एक बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए। जिस ढंग से कोरोना का जो कंसर्न है वो सोने और चांदी को आगे जाके भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। हॉलीडे मूड था, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स काफी कम थे। ऑलमोस्ट हमने 30-40% के वॉल्यूम में ड्रॉप देखे वीक ऑन वीक में, जिसके चलते मार्केट एक सुस्त रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अगले हफ्ते के लिए 47,900 के करीब हमें गोल्ड लेके चलना चाहिए, 47,600 के स्टॉप लॉस से 48,400 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी 61,500 61,600 के करीब लेके चलिए, 64,000 तक का भी लेवल दिखा दे अगर मार्केट में वॉलिटी मेंटेन रहती है तो। वहीं एनर्जी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.5% की तेजी बनते हुए दिखाई दी। यहाँ पे हमने देखा कि क्रूड में तो 2.5% की तेजी और नेचुरल गैस में एक प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया 1.5% का। क्रूड में हमने देखा कोरोना वायरस का कंसर्न तो है, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी है वो कम होने की वजह से एनर्जी डिमांड में इंप्रूवमेंट रहेगा। साथ में हमने देखा यूएस से जो डेटा पॉइंट थे वो भी काफी अच्छे थे। इन्वेंट्री में तो ड्रॉप था ही, जिसके चलते प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। इन ऑल अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो एनर्जी के अंदर 4 जनवरी को ओपेक की मीट पे सबका ध्यान है। वहीं कोरोना का जो ग्रोथ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विंटर्स में ज्यादा करके हम देखते हैं कि एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है और इन्वेंट्री में शॉर्ट की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अगले हफ्ते के लिए 5420-30 के करीब के पुल बैक पे लेके चलिए, 5650-5700 तक का लेवल क्रूड ऑयल में देखने मिल जाएगा। वहीं नेचुरल गैस में हमने देखा यूरोपियन मार्केट में फिर से एनर्जी के भाव तेज होते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। एज ऑफ नाउ 300 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे। इन्वेंट्री डेटा के बाद हमने 271 का भी लो लगाते हुए देखा, कहीं ना कहीं प्राइजेस 270-300 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो एमसीएक्स मेटल इंडेक्स में 1.5% की तेजी थी। जिस ढंग से एनर्जी कटआउट के चलते हमने देखा चाइना के अंदर आउटपुट में कटौती है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे। साथ में हमने इन्वेंट्रीज में फॉल बैक आते हुए देखा जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल पूरे बेस मेटल पैक के अंदर शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। अगले हफ्ते की रणनीति बनाए तो कॉपर हमें काफी अच्छा लगता है, जहां पे 750 के करीब कॉपर को लिया जा सकता है 765 के टारगेट के लिए। जिंक के अंदर भी हमने देखा इन्वेंट्री के ड्रॉप के चलते और इम्पोर्ट बढ़ने के चलते प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 284-285 के करीब लेके चलिए। 290 का लेवल तोड़ने पे 295 तक का लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। वहीं निकल की अगर हम बात करें तो आयरन ओर के भाव में अच्छी तेजी के चलते प्राइजेस को अच्छा बूस्ट मिला हुआ है, जो कहीं ना कहीं 1580 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में ही बेतहाशा अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है। एल्यूमिनियम में हमने देखा पावर कटलमेंट के चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिला हुआ है, जो कुछ दिनों में 240 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं लेड के अंदर भी हमने देखा प्राइजेस 190 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है, जो 195 से 196 तक का लेवल दिखा सकता है। तो पूरे कमोडिटी मार्केट में एक खाली कंसर्न जो है वो वॉल्यूम को लेकर है, बिकॉज हॉलीडे मूड है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति पूरे बेस मेटल में बुलियन में रखनी चाहिए। एनर्जी के अंदर डिस्पैरिटी रहेगी, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, तो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में बने रहना चाहिए। धन्यवाद।